Welcome to my YouTube channel Hotel Career. This is Imtiaz Khan. Guys, आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा हेरिटेज होटल लेके। ऑलरेडी मेरा एक वीडियो आ गया जिसमें मैं हेरिटेज होटल लेके डिस्कस किया। उसमें यही था व्हाट इज हेरिटेज होटल, व्हाट हेरिटेज होटल का टर्म्स कंडीशन क्या है और कैसे नॉर्मली पुराना बिल्डिंग्स, पुराना पैलेस को हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया है। अभी मैं हेरिटेज होटल ऐसा बहुत सारे इंडियन हेरिटेज होटल जिसका मैं आप लोगों को बता रहा है, जैसा ताज लेक पैलेस। ताज लेक पैलेस एक हेरिटेज होटल है। ताज लेक पैलेस ये उदयपुर में है। ये महाराजा जगत सिंह टू का टाइम का है, 1746 में। ये कंप्लीट व्हाइट मार्बल से बना गया एक लेक के ऊपर है, जो लेक है पिचोला लेक। ठीक है, ये उदयपुर राजस्थान में पिचोला लेक में। इसका वन साइड में देखिएगा अरावली माउंटेन है, इसका एक साइड है अरावली माउंटेन है और ये कंप्लीट छोटे ये लेक के ऊपर है। तो ये जो है महाराजा जगत सिंह उसका टाइमिंग पैलेस बना रहे कम्प्लीटली लुक्स लाइक ए रोमांटिक हवेली। उसका एनवायरमेंट रोमांटिक है और इसके अंदर जो आपका बनाया गया है कुछ फेयरी टेल है, कुछ मेमोरेबल चीज है जिसको बाद में होटल में कन्वर्ट किया गया और ये ताज को दिया गया। ताज इसको होटल में कन्वर्ट करके कम्प्लीटली इसमें बिजनेस चल रहा है। इसमें 43 रूम्स है, वेल डेकोरेटेड 43 है, उसमें मॉडर्न एमिनिटीज सब कुछ है। लेकिन ये एक टाइम में महाराजा जगत सिंह टू का टाइम में ये एक पुराना हवेली था, एक पैलेस था, व्हाइट कलर मार्बल का बना हुआ था। तो गाइस जो हेरिटेज होटल कैसा बिल्डिंग को बना जाता है ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहे, ये एक नाम आपको बता रहे। कभी अगर आपको जाता है, कभी इसके बारे में आप और भी ज्यादा स्टडी करते हैं, कोई अगर इसमें काम करते हैं तो इसका रियल फैक्ट मैं आपको फोन में बता रहा हूँ। ये ऐसे पुराना प्लेस है पैलेस है, जो ताज में ताज लेक पैलेस लेक के ऊपर है, एक पैलेस है और एक ताज का प्रॉपर्टी है, इसीलिए ताज लेक पैलेस नाम है और उदयपुर राजस्थान। गाइस ऐसा इंडिया में बहुत सारे हेरिटेज होते हैं, उसमें मैं आपको टॉप 10 हेरिटेज होटल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। टॉप 10 हेरिटेज होटल का मैं नाम आपको बता रहा हूँ। ताज लेक पैलेस उदयपुर, होटल समोदी पैलेस समोदी में, ये भी आपका उदयपुर राजस्थान में। ताज रामबाग पैलेस जयपुर में है, ओबेरॉय ग्रैंड कलकत्ता में जो मेरा होम टाउन है, देन उम्मैद भवन प्लस जोधपुर में है, ताज पैलेस एंड टावर मुंबई में है, होटल रतन विलास उदयपुर जोधपुर में है, द इम्पीरियल होटल दिल्ली में है। अभी मैक्सिमम हेरिटेज होटल जो हेरिटेज बिल्डिंग रिलेटेड होटल है सब उदयपुर राजस्थान में होगा, क्योंकि वो जगह में जो उसी टाइम महाराजा जगत सिंह जो मेयर का राजा था उसी का टाइम में और भी राजस्थान का जो उसी टाइम राजा था उसी टाइम में बहुत सारे हवेली बहुत सारे बिल्डिंग आज भी है, तो उसमें से आपका होटल में कन्वर्ट किया गया था। तो गाइस मैं अभी आप लोगों के सामने एक एक करके हेरिटेज होटल का कहानी क्या है, वो होटल किसका टाइम का बिल्डिंग था, कौन सा पीरियड में उसको होटल में कन्वर्ट किया गया। अभी और एक होटल के बारे में आपको बता रहा है, हेरिटेज होटल है होटल समोदे प्लेस समोदी में, ये जयपुर में जयपुर राजस्थान में। ये होटल लेकिन आपका जो बना था ये आपका राजपूत एंड मोगल का टाइम में बना था, आज से 475 ईयर्स के लिए। एक मैजिस्ट्री की एक बिल्डिंग टाइप है, एक पुराना बिल्डिंग है, इसको बनाया गया था। ये लेकिन राजपूत का टाइम है एंड मोगल का टाइम में ये बनाया गया था। ये 42 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर राजस्थान में। ये भी एक आपका पुराना हवेली का पुराना आपका बिल्डिंग था, जो पैलेस था बाद में, पैलेस ही था ये जो आपका राजपूत का टाइम में मुगल का टाइम में था, इसको होटल में कन्वर्ट करके आपका होटल समोदे पैलेस नाम पे किया हो गया, एक इंडिविजुअल ओनरशिप मिलती है। तो भाई ये हेरिटेज होटल का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इस हेरिटेज होटल को लेके गया, लेकिन वीडियो चलते रहेगा। कोई भी आपको और भी जानकारी है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट कीजिए कि इसके बारे में जानकारी चाहिए, मैं इसको ब्रॉडली डिस्कस करूँगा। तो कैसे मेरा आज का वीडियो था होटल हेरिटेज होटल के बारे में पार्ट टू का। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।